हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुबंदा शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अर्न फ्रॉम होम ऑप्शन के बारे में। अर्न फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम से स्लाइटली डिफरेंट होता है। वर्क फ्रॉम होम एक रेगुलर जॉब होती है जिसमें आप घर पे रह के फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में एक फिक्स्ड सैलरी पे रेगुलर जॉब करते हैं। अर्न फ्रॉम होम का मतलब है ऐसे मनी मेकिंग मेथड्स जिसको आप घर से कर सकते हैं, जिसके लिए वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं। आप जिस दिन जितनी देर के लिए फ्री हैं आप उतनी देर काम कर सकते हैं, और जो सैलरी आपको एक तरीके से फिक्स्ड आती है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में, वो ना होके आपकी इनकम आती है जो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स और द नंबर ऑफ मिनट्स और द नंबर ऑफ डेज यू आर वर्किंग। सो आप बहुत ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं, या अगर बहुत कम काम कर रहे हैं तो बहुत कम भी अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। जिस अर्न फ्रॉम होम ऑप्शन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारी तरह की ट्रेडिंग होती है और हर तरह की ट्रेडिंग, इनफैक्ट हर तरह की इन्वेस्टमेंट, बी इट क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें थोड़ा फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यानी उसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी पर्सन के थ्रू, या किसी भी एक्स वाई जेड सोर्स से किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं इन योर लाइफ। सो यहाँ पे मैं आपको जो भी डिटेल्स बताने वाली वीडियो में, दे आर 100% करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बट यू आर स्टिल रिक्वायर्ड टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। ओके, दैट बीइंग सेड, हम बात करते हैं उस ट्रेडिंग के बारे में जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको सुनकर लग रहा होगा कि ट्रेडिंग यू हैव ऑलरेडी हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड आपको उसके बारे में मे भी पता भी हो, लेकिन हम यहाँ पे एक रेगुलर ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेडिंग ऑप्शन के बारे में बता रही हूँ जो मार्केट में बहुत नया है, बहुत रिसेंटली पॉपुलर होना शुरू हुआ है और बहुत स्पीड से पॉपुलर हो रहा है। इनफैक्ट आई वॉज वेरी अमेज्ड टू नो अबाउट इट एंड आई थिंक आफ्टर क्रिप्टो दिस वुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ओपिनियन ट्रेडिंग। ओपिनियन ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे वर्क करता है, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और फिर एक डेमो भी देके दिखाऊंगी कि कैसे आप ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं रियल टाइम में यहाँ पे ट्रेडिंग करके। सो ओपिनियन ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए आपको कोई भी ऐसा टॉपिक पिक करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसपे आपकी एक्सपर्टीज है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, न्यूज हो सकता है, करंट इवेंट्स हो सकते हैं, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, बॉक्स ऑफिस, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, मार्केट, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई टॉपिक हो सकता है। आपको उसको पिक करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चंस या इवेंट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि अभी इलेक्शंस हुए थे, तो अगर आप पॉलिटिक्स का टॉपिक पिक करते हैं तो यूपी इलेक्शंस के जो रिजल्ट आएंगे उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी, एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन हो गया। उसमें आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, कई जगह पे डायरेक्ट आपको येस और नो के ऑप्शन होते हैं, कहीं पे आपको कैंडिडेट्स के जैसे नाम दे दिए या 3-4 ऑप्शंस दे दिए, इस साल का ऑस्कर आपके हिसाब से किसको मिल सकता है, वहां पे 4 ऑप्शंस हो गए इस तरीके से। ओके, आपको एक प्रेडिक्शन करनी है कि कौन सा वाला आपके अकॉर्डिंग सही होगा, या एक गिवन टाइमलाइन में गिवन ऑप्शंस में से क्या चीज सही हो सकती है, वो प्रेडिक्शन करके आपको उस प्रेडिक्शन के शेयर्स बाय करने हैं। और जो उसकी सेटलमेंट डेट होगी, यानी जैसे अगर यूपी इलेक्शन है तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है वो उसकी सेटलमेंट डेट होगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी और आपने जो शेयर्स परचेज की वो प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं, उससे आपको क्या फायदा हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है। और क्योंकि देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन, देर इज ऑल्सो नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट एंड हाउ मच यू कैन टेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओपिनियन ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे वर्क करती है। अगर आपको नहीं समझ में भी आया है तो आई हैव माई फोन राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, आप इसको फोन से ही कर सकते हैं, सिर्फ फोन और इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं आपको ओपिनियन ट्रेडिंग करके दिखाने के लिए बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, जो ओपिनियन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, विच इज़ ट्रेडएक्स। ट्रेडएक्स स्पेशली ओपिनियन ट्रेडिंग में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उन्हीं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरीके से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी डाउनलोड करने के लिए। और जैसे ही आप साइनअप करेंगे, साइनअप करते ही आपको 25 रुपीज़ का एक साइनअप बोनस मिलेगा एंड उसके बाद एक रेफरल कोड भी मैं आपको दे दूंगी, वो यूज़ करते ही आपको 25 रुपीज़ और मिल जाएंगे। तो यू हैव 50 रुपीज़ ऑलरेडी इन योर वॉलेट टू बिगिन विद। तो ट्रेडएक्स ऐप ओपन करते ही सबसे पहला ऑप्शन आया रजिस्टर का। रजिस्टर करने के लिए आपको अपना फोन नंबर और प्रोमो कोड डालना है। अगर आप कोई प्रोमो कोड नहीं डालेंगे तो 25 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, अगर आप डालेंगे तो 25 और मिल जाएंगे, तो साइनअप बोनस के साथ मिला के 50 हो गए। यहाँ पे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे 25 रुपीज़ दिखा रहा है। मैंने एक्चुअली कोई कोड नहीं डाला था, आई डिड नॉट हैव वन, तो मुझे 25 रुपीज़ का लॉस हो गया, पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उससे आपको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ऊपर जो राइट टॉप कॉर्नर पे वॉलेट का साइन आ रहा है उस पर रिफ्लेक्ट होगा कि आपके पास इस वक्त कितना फंड है। नाउ एज आई स्क्रोल डाउन यू कैन सी के यहाँ कितने सारे इवेंट्स हैं, क्योंकि मैं ये रियल टाइम आपको करके दिखाती जा रही हूँ यहाँ अपने फोन पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन, पॉलिटिक्स, मूवी, क्रिकेट, ऑस्कर्स, बहुत सारी मिक्स कैटेगरीज आई एम श्योर आपको दिख रही होंगी। इसके अलावा टॉप में यू कैन सी
सारी कैटेगरीज गिवन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बिजनेस है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज एंड पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें से कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी पिक कर सकते हैं। सभी में इंटरेस्टेड हैं तो ऑल के रिजल्ट्स आ ही रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक रिकमेंडेड लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे, रिकमेंडेड, एंडिंग सून, लेटेस्ट एंड हाइएस्ट वॉल्यूम। तो हाइएस्ट वॉल्यूम में से या जो लेटेस्ट इवेंट अभी आए हैं वो, या वो इवेंट्स जो खत्म होने वाले हैं यानी जिनकी सेटलमेंट डेट, जैसे कि मैंने आपको यूपी इलेक्शंस का एग्जांपल दिया था, तो जिसकी एंडिंग या जो फाइनल डेट है, जो रिजल्ट डेट जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, सेटलमेंट डेट बहुत पास है ये। अब इनमें से आप कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी पिक कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे आपको डेमो करके दिखाने के लिए एंटरटेनमेंट की कैटेगरी पिक कर रही हूँ। अब क्लिक करते ही आप देख सकते हैं नीचे इसमें रिजल्ट आ रहा है, KGF 2, कश्मीर फाइल्स, ऑस्कर्स, ये सब आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे जो आपको डेमो ट्रेडिंग करके दिखाऊँ ये कश्मीर फाइल्स वाले पे करके दिखाऊँ। तो द कश्मीर फाइल्स टू क्रॉस वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ रुपीज 100 crores बाय मार्च। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको इवेंट क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, इफ द कश्मीर फाइल्स अर्न्स 100 crores और मोर इन द बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बाय 31st March एज पर द सेटलमेंट लिंक The market resolves to yes, else the market resolves to no। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14th मार्च को ये इवेंट स्टार्ट हुआ था, इसमें ये डेट भी आ रही है, और 30th मार्च को ये एंड हो रहा है, एंड 1st अप्रैल को मॉर्निंग 11 AM वी विल नो द सेटलमेंट। जो सेटलमेंट के लिए सोर्स है यानी कि जो लिंक है वो भी यहाँ पे मैंशन है। तो क्या 31st मार्च तक ये मूवी 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, ये हमें डिसाइड करना है, इसकी प्रेडिक्शन करनी है। एंड येस का जो शेयर है वो 98 rupees का है, नो का जो शेयर है वो 2 rupees का है। नाउ सिंस मूवी इज डूइंग प्रीटी गुड, रेटिंग्स अच्छी है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, ये इट्स गेटिंग गुड अटेंशन, तो आई गेस येस मे बी कर पाए। सो आई क्लिक ऑन बाय येस। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं, 1, 2 और 3। तो आप जितने शेयर्स खरीदना चाहें, इसमें लिखा है मैक्स लिमिट 1000 तक की आप उतने खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रही हूँ तो आई एम बाइंग 1 share। तो हमें क्लिक करना है प्लेस ऑर्डर पे। अब इसमें इनसफिशियंट फंड्स आ रहा है, सो लेट्स ऐड सम अमाउंट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड और विड्रॉ, दो इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। क्लिक करते हैं ऐड पे, अपना अमाउंट एंटर करते हैं, लेट्स सपोज मैं 100 rupees का कर लेती हूँ। नाउ एज यू कैन सी इतने सारे ऑप्शंस हैं इसमें, नेट बैंकिंग है, UPI है, कार्ड है, वॉलेट्स है, तो आई विल बी बैक विद अ क्विक रिचार्ज फ्रॉम UPI। सो इट लिटरली टुक मी लेस देन 1 minute एंड इनफैक्ट आई थिंक मुझे हार्डली 30-40 seconds लगे, एज क्विक एज आप UPI से कोई भी पेमेंट करते हैं, आपने देखा होगा बहुत जल्दी हो गया। पासबुक में जाके हम अपना जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं वो चेक कर सकते हैं। नाउ बैक टू ट्रेडिंग, मैंने इस पर क्लिक किया बाय येस पे, एक शेयर खरीदना है मुझे, प्लेस ऑर्डर। टॉप पे यू कैन रीड यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर टू बाय 1 share ऑफ येस एट ₹98, ये आ रहा है। सो नाउ मुझे क्या करना है, 1st अप्रैल को 11 AM पे इसका जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा, और सेटलमेंट के लिए जो सोर्स लिंक है वो भी मैंशन है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे खुद ही पता चल जाएगा। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेलिंग वाला ऑप्शन भी आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि एंड डेट से पहले यानी कि 31st मार्च से पहले शेयर के प्राइस बढ़ जाए। अगर ऐसा होता है तो आप शेयर्स को हाई प्राइस पे सेल करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है अपने शेयर्स को सेल करने का। आपका जो रेफरल कोड होगा वो एक यूनिक कोड होगा, अगर वो आप किसी को भी देते हैं और वो उससे सक्सेसफुली साइन अप करता है तो आपको 10 rupees आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आई होप यू सॉ कि कितना ईजी था इसमें फंड्स ट्रांसफर करना या कोई शेयर बाय करना। इसके अलावा आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं विद इन 9 hours, तो आई एम श्योर इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए या उन सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि ये अभी हाल ही में पॉपुलर हुआ है। तो आई होप यू रिमेंबर जैसे जब बिटकॉइन नया नया पॉपुलर हुआ था तो उसके बाद कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं कोई भी नई चीज़ अगर वो सक्सेसफुली मार्केट में इस्टेब्लिश हो जाती है। तो सो दिस इज समथिंग न्यू, यू कैन स्टार्ट और बहुत कम अमाउंट से भी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नॉट लाइक कि अगर आप स्टूडेंट हैं देन यू नीड 4-5000 rupees मिनिमम, नथिंग लाइक दैट। आपने देखा मैंने सिर्फ 100 rupees के रिचार्ज से एक शेयर इसमें बाय किया, तो दैट यू कैन डू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स।